नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी मेरे साथियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, बात करते हैं मिसिंग नंबर की। हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर में हमने अभी एक पार्ट डाला था मैंने कल, उसमें देखिए दोस्तों थोड़ा लाइट का दिक्कत आ गया था, इसलिए मुझे वीडियो को रोकना पड़ा था। नहीं तो मेरा टारगेट ये था कि मैं पूरा का पूरा बेसिक एक साथ ही डाल दूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो मिसिंग नंबर है उसका बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे 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 क्वेश्चनों की तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है। शुरुआत में पता तो लगे कि बेसिक, जैसे कल मैंने ट्राइंगल का लिया, आपको थोड़ा आइडिया है कि ट्रायंगल से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पर लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, वो सब बातें, ठीक है। लॉजिक किस तरीके से लगाएं वो सब मैंने बताया था। आज जो है मैट्रिक्स बेस्ड डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो भी संभव है क्वेश्चन मिसिंग नंबर में, मैं एक भी तरीके को छोड़ने वाला नहीं हूं, आप निश्चिंत रहें। मैंने पहले एक दिन कहा था आपको एक भी बुक परचेज करने की रीजनिंग में जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने पहले दिन बोला था, ये स्ट्रेटेजी में मैंने डिस्कस किया था, और मैंने उस समय ये बोला था कि रीजनिंग में कोई भी बुक परचेज ना करें, और भी मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ना करें बिल्कुल भी। आप यहाँ से रीजनिंग कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दें। देखिए मैं भी कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आऊँ, तो उसमें आपको और डिस्कस कर दिया जाएगा, बहुत बढ़िया से कंसेप्टों को बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सिलेबस कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ रीजनिंग में क्या करें, बार बार ये भी ना पूछें कि सर कैसे करें क्या करें। देखिए भाई एक कहावत है, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। जो मन से है वो ही वाणी से बनो, और जो वाणी से बोलते हो वो ही कर्मों में, अपनी वाणी को कर्मों में लेके आओ, ठीक है। तो बस मेरा तो यही है कि जो बोला है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और करूंगा लास्ट तक, इतना मेरे में ताकत बचेगी, लास्ट आखिरी बूंद तक, रक्त की आखिरी बूंद तक यहां पर डटे रहेंगे, ठीक है। और आपको सिलेबस कराएंगे। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि आपको रीजनिंग में बुक परचेज नहीं करना है, तो जिन्होंने माना है ठीक है, जिन्होंने नहीं माना उसका भी ठीक है भाई, ठीक है। आप भैया रीजनिंग का टाइम मैंने वहां ये बोला था कि आप मैथ पर लगाइए, इंग्लिश पर लगाइए, जीके पर लगाइए, वहां से आपका स्कोर गेन होगा। यहां से देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं और यही चीजें यहीं क्लियर हो जानी है। इसके बाद आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, समय ज्यादा नहीं है, मैं हमारे पास समय का अभाव है, तो और कुछ बेसिक्स जो है मिसिंग नंबर को लेकर के वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं मिसिंग नंबर में मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। किस पर? मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। मैंने मैट्रिक्स का बहुत अच्छे से बताया कहां पर, कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। मैट्रिक्स देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेवन ट्वेल्थ में जब जो मैथ लेते हैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो काम की चीजें हैं वो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में करा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सारा जो कंपटीशन का, जो वन डे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है वो तरीके, और इतना ही यूजफुल है, उससे ज्यादा फिर वो पढ़ना अनावश्यक है। मैंने वहां बहुत अच्छे से बता रखा है, आप वहां से पढ़ लिख सकते हैं। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से दोस्तों फ्रेम होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स अगर आपको दी गई हो दोस्तों, तो आप कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। थ्री बाई फोर का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जो तीन है ये होता है रो, और चार है ये होता है कॉलम। जो पहले आता है वो होता है रो। थोड़ा सा मैं यहां भी बता देता हूं, और जो चार है बाद में आता है वो होता है दोस्तों कॉलम, ठीक है। उसके बाद रो का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ।
ठीक है। तो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड मैट्रिक्स आती है दोस्तों, पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा जो होता है कॉलम होता है। रो का मतलब होता है दोस्तों पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। अगर 3x4 की मैट्रिक्स आपको मिलती है, कैसे मिलेगी देखना मैं बताता हूं। एक बार देखते हैं प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब तीन इसमें क्या है, रो है, ये होती है दोस्तों रो। देखिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत शानदार तरीके से बताया है आपको, वहां से एक बार आप जरूर देखें और वहां पर सारी काम की चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलने का मेरा विचार है, तो मैं इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 3x4 का जो तो मैट्रिक्स है दोस्तों, उसमें तीन होते हैं रो। ये क्या है, जो पड़ी हुई पंक्तियां हैं, इस तरीके से मान लीजिए आप, जो पड़ी हुई पंक्तियां हैं, लेटी हुई पंक्तियां हैं, ठीक है, वो है रो, यानी कि पंक्तियां, ठीक है, जो लेटा हुआ है, ये क्या होती है दोस्तों रो। इसको बोल देते हैं रो 1, इसको बोल देते हैं रो 2, और इसको बोल देते हैं दोस्तों रो 3। इसी तरीके से जो खड़े हुए पंक्तियां हैं, ये होता है दोस्तों कॉलम, यानी कि स्तंभ। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ठीक है। तो 3x4, अगर वो कहता है 3x4 की मैट्रिक्स है, हम अगर ये कहते हैं, वो नहीं कहेगा कुछ भी, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन होता नहीं है कुछ भी। अगर हम ये बात बोलते हैं कि 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि तीन तो लेटी हुई पंक्तियां हैं और 4 खड़ी हुई स्तंभ है, ठीक है, यानी कि R1, R2, R3 और C1, C2, C3, C4। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि यहां कुछ पर्टिकुलर डेटा डालता है, जैसे यहां कुछ नंबर डाल देगा, यहां भी नंबर डाल देगा, यहां भी नंबर डाल देगा और यहां भी नंबर डाल देगा, मतलब इनमें कुछ ना कुछ वो नंबर भर करके आपको देगा, कुछ भी दे सकता है। मैं स्टार्टिंग में बेसिक पर बात कर रहा हूं, क्या नंबर आने हैं क्या नहीं आने, वो भी बाद में बात देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना एग्जामिनर चाहता है आपको, ठीक है, आपके लिए कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, आप थोड़ा उन चीजों से फैमिलियर तो हो जाओ, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों कि यहां कुछ ना कुछ नंबर आपको भर करके देता है, तो जब भी एक बात जरूर ध्यान रखना कि 99% केस में ये होता है कि जो ये वाला नंबर निकलता है, कौन सा, ये वाला, ये इन तीन डेटा जो अवेलेबल है इनकी मदद से निकलता है। ये वाला जो नंबर निकलता है दोस्तों, ये जो तीन डेटा अवेलेबल है इनकी मदद से निकलता है, और ये वाला जो डेटा है, ये जो तीन नंबर अवेलेबल रहेंगे वहां पर, उनकी मदद से ये चौथा नंबर निकलेगा। मतलब जिधर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई दिखेगी, आप ये मानना कि उधर ही एग्जामिनर का रुझाव है कैलकुलेशन को कराने के लिए, ठीक है। तो जब भी 3x4 की मैट्रिक्स आती है, तो 99% केस में दोस्तों एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है कि इन तीन नंबरों की मदद से ये नंबर मिल जाए, इन तीन नंबरों की मदद से ये नंबर मिल जाए, और इन तीन नंबरों की मदद से ये नंबर मिल जाए, यानी कि तीन नंबरों की मदद से मुझे चौथा नंबर मिल जाए, फिर इन तीन नंबरों की मदद से चौथा नंबर मिल जाए, फिर इन तीन नंबरों की मदद से चौथा नंबर मिल जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जब होता है, जब एग्जामिनर 3x4 का मैट्रिक्स देता है, तो जो शुरू के तीन नंबर हैं, जो चौथा नंबर निकलेगा, इस तरीके से 99% केस में ये पॉसिबिलिटी लगी रहती है कि शुरू के तीन नंबरों का यूज करके चौथा नंबर निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं और लेता हूं कि अगर मान लो ये पहला टाइप हो गया खत्म, 3x4 मैट्रिक्स। देखिए कुछ भी यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है,
हर वो चीज जो आपके काम की है, एग्जाम्स में आती है, आने की संभावना है, वो सब डिस्कस होगी, ठीक है। दूसरा तरीका है 4x3 मैट्रिक्स बेस्ड। फोर बाय थ्री मैट्रिक्स बेस्ड का मतलब होता है दोस्तों कि चार इसमें रो हैं और तीन कॉलम हैं। बना लेते हैं चार रो, तीन कॉलम है, चार रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। ये होती है दोस्तों रो वन, ये होती है दोस्तों रो टू आर टू, ये होती है दोस्तों रो थ्री आर थ्री, और दोस्तों ये होती है रो फोर आर फोर। इसी तरीके से ये जो है ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है और ये कॉलम थ्री। आप आराम आराम से देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए दोस्तों, चीजों को सीखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। कैसे हम रो बेस्ड कॉलम, रो इनटू कॉलम को ले रहे हैं, कैसे 3x4 की मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन संभव है, कैसे कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, इन चीजों को सीखिए आप। ये बेसिक है, ये ढांचा है। अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लेना, आपका कुछ भी नहीं होना, आप फिर रट्टा लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स मजबूत होंगे तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल्स का यूज करके जल्दी से क्वेश्चन निकालोगे। इसलिए आप बेसिक्स पे ध्यान दो। मैंने देखिए आपको चार चैप्टर पढ़ाए हैं रीजनिंग में, मैंने हमेशा ही बेसिक पे ध्यान दिलाया आपको, ठीक है। और फिर बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, चाहे आप 30,000 रुपये 25,000 रुपये पे कर देना तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आपने कहीं पाया कि कुछ अलग सा लग रहा है आपको जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, तो वही चीजें हैं, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होगा तब। तो इसलिए आप शुरुआत, दो तीन वीडियो होते हैं उनमें थोड़ा सा बेसिक रहता है, और वो आप अच्छे से तैयार करें। आपको पता होना चाहिए कि 4x3 की मैट्रिक्स आए तब हमें कैसे अप्लाई करना है लॉजिक को, जब हम 4x3 की मैट्रिक्स आती है तो कैसे लॉजिक अप्लाई करना है, इन चीजों का आपको पता रहना चाहिए कि जिधर डेटा ज्यादा है उधर ही मूवमेंट होगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जिधर डेटा ज्यादा है मूवमेंट एग्जामिनर उधर ही करेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करें, ठीक है, वो एग्जामिनर की भी डिमांड है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तैयार करा रहा हूं। जैसे मान लो कि एग्जामिनर आपको यहां पर कुछ डेटा भर के देगा, कुछ नंबर डालेगा यहां पर, कुछ भी डाल सकता है। जैसे हम 3x4 की मैट्रिक्स में दोस्तों हम कह रहे थे कि इन तीन नंबरों का यूज करके चौथा नंबर लाया जा रहा था, रो बेस चल रहा था, लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों कॉलम बेस चलेगा, क्योंकि देखिए नंबर कितना ज्यादा है, रो में ज्यादा है, 1, 2, 3 नंबर है रो में, तो और कॉलम में कितने नंबर है, कॉलम में है 4 नंबर, 1, 2, 3 और 4। तो जिधर भी नंबर ज्यादा होंगे एग्जामिनर 99% केस में उधर ही मूवमेंट लेता है जिधर नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर देखिए दोस्तों इन तीन की मदद से, एग्जामिनर इन तीन की मदद से चौथा नंबर लेके आता है, ऐसा 99% केस में एग्जामिनर करता है। बाकी फिर इन तीन की मदद से ये चौथा नंबर लेके आता है, फिर इन तीन की मदद से ये चौथा नंबर लेकर के आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और यार एक बार आ रहा है समझ में तो एक बार कमेंट जरूर कर दो मेरे भाई, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि नए व्यूवर्स तभी आएंगे जब आप कमेंट बाजी करोगे यार, ठीक है। उनको थोड़ा सा लगेगा कि यार किस हिसाब से व्यू आ रहे हैं, किस हिसाब से लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। वो नया लोग होता है, उसको पता ही नहीं कि कौन है रोशन लाल यादव, ठीक है, वो उसको पता ही नहीं है, वो तो आपके कमेंट और लाइक डिसलाइक इनको देख करके थोड़ा सेट होता है चैनल पर। एक बार जो जुड़ गया वो छोड़ के नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। जुड़ने की दिक्कत है बस, एक बार जो मेरे से जुड़ गया पढ़ने के तरीके से, तो वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि मुझे कंटेंट मिलता रहे, मुझे कंटेंट मिलता रहे, ठीक है।
क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही मेरा ऐसा है कि मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है, ये जो खूबी है ईश्वर ने मुझे अच्छे से कूट कूट के दी है, ठीक है, कि सामने वाले को कैसे समझाया जाए, सामने वाले को कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड से हो। तो ये मैं मेरी तारीफ नहीं करा, लोग पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू, उनको पता भी लग रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप यार कमेंट जरूर करें, आपका 1-2 सेकंड लगता है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कमेंटबाजी में। कमेंट करें, लाइक करें, जितना हो सके शेयर कर दें, ठीक है, और लोगों को जोड़ दें बस। बाकी पढ़ाने का काम है, पढ़ाने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाई रहा हूँ आपको यार, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको फिर भी अगर लगता है कि मैं आपका चार्ली काट रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार कहीं कोचिंग कर लो भाई, 10-15 हज़ार रुपये दे दो उनको, 15-20 हज़ार रुपये, उसके बाद आप फिर इस चैनल पर आओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आप यहीं से दिमाग लगा के पढ़ लें, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गए। मैं जो भी बातें बताता हूँ वो बहुत, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करके चला गया, गीत गा के चला गया, ढिंचिका लगा के चला गया, वो एक है सर, ठीक है। तो पता नहीं यार पढ़ा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं, समझ से बाहर है सुन, ठीक है। तो चलिए, जब भी आपको देखिए हर कंसेप्ट पर काम करना है, कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है दोस्तों, न जाने कौन सा कंसेप्ट आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। जब भी आपको 4x3 की मैट्रिक्स मिलती है तो आपको ऐसे चलना है कि 99% केस में एग्जामिनर क्या करता है, इन 3 नंबरों की मदद से ये चौथा नंबर लेके आता है, अगले वाले 3 की मदद से ये नंबर लेके आता है, इन 3 की मदद से ये चौथा नंबर लेकर के आता है, इस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है। यानी कि जब 4x3 की मैट्रिक्स होती है तो वो देखिए, आप ये देखिए कि रो ज्यादा है कि कॉलम, रो ज्यादा है भाई, 4 क्या है, रो है, तो उसका मूवमेंट होगा कॉलम में, मूवमेंट किसमें होगा, कॉलम में। और जब 3x4 का मैट्रिक्स है तो भाई क्या ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है, तो उसका मोमेंट होता है रो में, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, और क्या क्या तरीके संभव है। ज्यादातर देखिए दोस्तों इतना ही पूछा जाता है, वो रॉकेट साइंस नहीं है कि पूछते ही आपको ही रहेगा, क्योंकि उसको सेलेक्ट भी तो करानी है भाई, अगर वो सेलेक्ट नहीं कराएगा तो फिर भर्ती किसको करेगा, ठीक है। तीसरा तरीका है दोस्तों मैट्रिक्स का, 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए आपके सामने तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 3x3 की मैट्रिक्स देखते हैं। अब यार आप ऐसे मत कह देना कि सर आप 5x7 की मैट्रिक्स करवाओ, ठीक है, 7x9 की कराओ, 9x11, 9x9 की कराओ, ठीक है, ये बेहूदा बातें हैं। देखिए जो चीज़ एग्जाम में आने वाली है वो 3x4, 4x3 या 3x3, इन तक ही सीमित है एग्जाम। अब आपको बकवास करना है तो वो बात अलग है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको कि सर मेरे को 9x11 की मैट्रिक्स कराओ, तो जब एग्जाम में ही नहीं आनी तो भाई कराने क्यों आपको, ठीक है। फिर भी इनका कंसेप्ट सेम रहेगा, बेसिक देखिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप ये देखिए कि यहाँ पर रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है तो आपका मूवमेंट होगा रो की तरफ, कॉलम ज्यादा है तो मूवमेंट होगा रो की तरफ। मैं एक बार बता देता हूं उनकी संतुष्टि के लिए, जिनकी थोड़ी तड़प ज्यादा होती है, ठीक है, उनसे कोई फायदा नहीं है, तड़प वहां करो जहां जरूरत है, ठीक है, जहां जरूरत ही नहीं है वहां पर तड़प लगाने से क्या, तड़प करने से, तड़पने से क्या फायदा है। अब कहोगे आप 9x11 की मैट्रिक्स बना के बताओ, कोई मतलब ही नहीं है, बेतुकी बातें हैं ये, ठीक है। फिर भी अगर इसको नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए रो कॉलम ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है तो रो पर मूवमेंट होगा। अगर इस तरीके से आता है 15x11 की मैट्रिक्स है, रो ज्यादा है तो मूवमेंट होगा कॉलम की तरफ, किधर होगा, कॉलम की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी इनका कोई काम नहीं है, आप तो सिर्फ 3 ही तरीके देखें, 4x3, 3x4 और 3x3, इनको अच्छे से समझें बस, यही एग्जाम्स में आते हैं और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं है। आप जब एग्जाम दोगे तो खुद एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3x3 मैट्रिक्स आए तब हमें कैसे हैंडल करना है। थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें 3 ही रो होते हैं और 3 ही होते हैं कॉलम, ठीक है। यानी कि यहां देखिए
रो वन, रो टू, रो थ्री। इसी तरीके से कॉलम है सी वन, सी टू, सी थ्री। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में ये आर वन, आर टू, आर थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तो मुझे समझाना है आपको, इसलिए मुझे बताना पड़ता है हर चीज लिख लिख करके, ठीक है। तो आप एक समझने के तरीके से इसको लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम में बिल्कुल ये गलती ना करें। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे तीन रो और तीन कॉलम, और यहां पर कुछ डेटा अवेलेबल होंगे आपके पास, कुछ नंबर्स होंगे, इन जगह कुछ ना कुछ नंबर्स एग्जामिनर फिट करके देता है। तो हम मूवमेंट किधर लेते हैं कि वहां पर तो हम ये कह रहे थे कि देखिए अगर रो ज्यादा है तो मूवमेंट कॉलम से होगा, अगर कॉलम ज्यादा है तो मूवमेंट रो में होगा, हम ये बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा था। अब यहां पर ना तो रो ज्यादा है और ना ही कॉलम ज्यादा है, एक ऐसा भी केस संभव है यहां पर कि ना तो यहां पर रो ज्यादा है और ना ही कॉलम ज्यादा है। तो फिर हम क्या करें भाई, अगर रो ज्यादा है तो कॉलम किससे मूवमेंट, कॉलम में मूवमेंट होगा, कॉलम ज्यादा है तो फिर रो में मूवमेंट होगा, ये बात हमने सीखी अभी तक। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि थ्री बाय थ्री, मतलब कि जहां रो भी, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, यानी कि ना तो रो ज्यादा है और ना ही कॉलम ज्यादा है, तो फिर आप कैसे मूवमेंट लेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये केस ऐसा ही है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए आप चाहे रो में मूवमेंट लें चाहे कॉलम में मूवमेंट लें, बात एक ही है, यानी कि इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं रो में मूवमेंट लेता हूं तो इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया जा सकता है, और इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मूवमेंट आप किधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना समझ में आया, किधर से भी मूवमेंट लिया जा सकता है इसमें, रो पर भी मूवमेंट हो सकता है, कॉलम पर भी मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इधर भी देखिए दो ही नंबर है, तीसरा नंबर आ रहा है, जिधर नंबर ज्यादा होगी मूवमेंट उधर होता है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि नंबरों की संख्या है समान, चाहे आप रो में मूवमेंट लें चाहे आप कॉलम में मूवमेंट लें, नंबर सेम है। तो एक तो ये तरीका है दोस्तों, वो भी बताऊंगा कि कब आपको रो में मूवमेंट लेना है, कब कॉलम में मूवमेंट लेना है, इसका भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। भाई इसमें देखिए दोनों पॉसिबिलिटी संभव है, आप रो पर भी मूवमेंट ले सकते हैं, आप कॉलम पर भी मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी संभव है, रो पर भी मूवमेंट आ सकता है, कॉलम पर भी आ सकता है। मैं रो पर बता रहा हूं आपको कि रो पर मूवमेंट आएगा तो आपको इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, और इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, अंडरस्टूड। अगर मान लो मूवमेंट कॉलम पर है तो आपको कैसे क्या मिलेगा, ये जो दो नंबर है इनकी मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, फिर ये जो दो नंबर है इनकी मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, फिर ये दो नंबर है इनकी मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा। अगर मान लो मूवमेंट कॉलम बेस्ड हुआ तो फिर से ध्यान से सुनना, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा, और इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर मिलेगा। अब बात यह आती है कि सर आपने दोनों ही बातें रखी हैं, आप मूवमेंट जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है यानी कि थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स आती है तो आप मूवमेंट कैसे लेंगे, हम मूवमेंट कैसे लेंगे, हम रो बेस्ड मूवमेंट लेंगे या कॉलम बेस्ड मूवमेंट लेंगे, क्योंकि आपने तो दोनों ही मूवमेंट बता दिए कि आप रो बेस्ड भी मूवमेंट ले सकते हैं और कॉलम बेस्ड भी मूवमेंट ले सकते हैं। लेकिन कब हम, इसका भी कोई और तरीका है कि हम जो और जल्दी जज कर जाएं कि हमें रो बेस्ड चलना है या कॉलम बेस्ड चलना है, तो बिल्कुल है। देखिए हर चीज का लास्ट स्टेप तक जाएंगे हम। मैंने अभी आपको यह बताया कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलती है थ्री बाय थ्री की, टू बाय टू की, कैसे भी हो, फोर बाय फोर की, तो उसमें आपको
मोमेंट रो बेस्ड भी हो सकता है और कॉलम बेस्ड भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स में मोमेंट, ठीक है। अब समस्या ये है हमारे सामने कि हम रो बेस्ड मोमेंट लें या कॉलम बेस्ड लें, इसकी समस्या है। तो इसका भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा। पिछले अब हम देख रहे थे अभी तक जो पिछले दो टाइप देखे हैं 3x4 का और 4x3 का, तो वहां बहुत आसान था पकड़ना। मैं आपको ये कह रहा था कि आप ये देखिए क्या ज्यादा है, जैसे 3x4 है यहां पर कॉलम ज्यादा है तो मोमेंट होगा रो में, अगर 4x3 है तो क्या ज्यादा है रो ज्यादा है तो मोमेंट कहां होगा कॉलम में, समझ रहे हो। लेकिन यहां ऐसा सीन नहीं है, यहां रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो हम मोमेंट किधर लें, मोमेंट हम रो बेस्ड भी कर सकते हैं, मोमेंट हम कॉलम बेस्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इसका भी तरीका है दोस्तों कि हम कब रो बेस्ड मोमेंट लें और कब हम कॉलम बेस्ड मोमेंट लें, वो आपसे डिस्कस करता हूं मैं एक बार एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार। अब मान लो दोस्तों अगर इस तरीके से आपको मिलते हैं, मैं दो मैट्रिक्स बनाता हूं 3x3 की, एक बार देखा जाएगा कि प्रॉपर चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यार गायब हो गया। हाँ दिख गया, ठीक है ठीक है भाई। इस तरीके से अगर आपको मिलता है रो बेस्ड और कॉलम बेस्ड, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कोडिंग डिकोडिंग में कि जहां रो और कॉलम की संख्या होती है बराबर वहां होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मान लो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो ये भी दोस्तों 3x3 की ही मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये भी 3x3 की ही है। लेकिन अब हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि हम मूवमेंट कैसे लें, हम रो बेस्ड मूवमेंट लें या कॉलम बेस्ड मूवमेंट लें, वो आपको बताता हूं मैं एक रैंडम डेटा भरता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा करेंगे तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्या लॉजिक आएगा क्या नहीं आएगा वो देखेंगे बाद में। अभी आपको जब बेसिक समझा रहे हैं तो एक रैंडम डेटा के साथ समझाता हूं, ठीक है, जिनका लॉजिक से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये समझने की दृष्टि से है। जैसे मान लो कि मैं यहां पर भर देता हूं 3, 4, 6, 8, 7, 5, 100, 92 और पहुंच लिया यहां पर। यहां मैं डेटा भरता हूं 2, 5, 90, 3, 4, 8, 7, 98, ठीक है। यानी कि इस तरीके से अगर डेटा आपको दिखे, ठीक है, इस तरीके से ही होंगे, आप टेंशन ना लें। जब आप धीरे धीरे इसमें नंबर से मिसिंग नंबर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता खुद को लगने लग जाएगा कि मुझे मूवमेंट रो बेस्ड करना है या कॉलम बेस्ड करना है, ये नंबर इंडिकेट करते हैं। ये मैंने रैंडम डेटा लिए हैं, रैंडम नंबर लिए हैं, यहाँ से आप लॉजिक निकालना चाहो तो हो भी सकता है निकल जाए, नहीं तो नहीं भी निकल पाए, ठीक है। तो इनको लॉजिक बेस्ड ना समझें, इनको सिर्फ आप समझने की दृष्टि से समझें कि मुझे कब रो बेस्ड मूवमेंट लेना है, कब मुझे कॉलम बेस्ड मूवमेंट लेना है, ठीक है दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिसिंग नंबर में एग्जामिनर मूवमेंट उधर कराता है जिधर कैलकुलेशन होती हुई दिख रही है आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नॉइज डिस्टरबेंस है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा, लेकिन वो जा ही नहीं रहा, ठीक है, रेडी वाला है, मजे ले रहा, आराम से खड़ा कर लिया, गाने वाने बजा रखे हैं मस्त, ठीक है। तो यार ये लोग ही जब एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी में तो आप तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, आप भी खुल के कीजिए, ठीक है। कैसे करना है, खुल करके करना है, बंदे बंदे करने में कोई फायदा नहीं है,
ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना वॉल्यूम को लेकर के, बाहर से थोड़ा नॉइस मिक्स होगा। मैं आपको ये समझा रहा था कि आप कैसे रो इंटू कॉलम पर, जब मैट्रिक्स बेस्ड मैट्रिक आती है और स्क्वायर मैट्रिक्स को स्पेशली उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमें कब रो की तरफ मोमेंट लेना है, कब रो में मोमेंट लेना है, कब हमें कॉलम में मोमेंट लेना है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिधर भी एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो जिधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई आपको दिखे, जिधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई आपको दिखे, तीसरी बार सुनिए, जिधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई आपको दिखती है उधर ही मान लो लॉजिक शिफ्ट किया गया है। जैसे भाई यहां पर देखिए 100 है, यहां पर 3 है, यहां 8 है, तो अब एक नॉर्मल सी बात है कि 3 और 8 का यूज करके वो 100 ला रहा होगा। मैं ये नंबर मैंने पहले ही कहा आपको कि फिक्स नंबर नहीं है जिनसे आप लॉजिक निकाल सकते हैं, ये समझाने के लिए लिया है मैंने। ठीक है, मतलब जिधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई दिखे उधर आप मूवमेंट लेंगे। यहां देखिए रो में कैलकुलेशन होती हुई दिख रही है, इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर लाया जा सकता है, इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर लाया गया होगा और इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर अपने आप आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि जिधर भी कैलकुलेशन होती हुई हमारे को दिखे उधर हमें मूवमेंट लेना है। जैसे यहां पर रो बेस्ड कैलकुलेशन दिख रही है हमारे को, देखिए रो में जो 100, 92 बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, और बड़े नंबर्स तभी आते हैं जब कुछ कैलकुलेट होके आता है उधर। ठीक है, मल्टीपल हो, मल्टीप्लीकेशन होगा, स्क्वायर होगा, एडिशन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग होकर के ये नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तभी इतना बड़ा नंबर मिलना संभव है। तो कैलकुलेशन किधर हुई है, अब आपको ये समझना भी जरूरी है कि कैलकुलेशन किधर हुई है, ये कैसे पता लगे, कई तो ऐसे भी महान मूर्ति बैठे हैं यहाँ। ठीक है, तो भाई मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझिए कि जिधर नंबर बड़े हैं, जैसे छोटे छोटे नंबर्स हैं और इधर बड़ा नंबर है, ये दो छोटे छोटे नंबर्स हैं, इधर बड़ा नंबर है, जिधर बड़ा नंबर है कैलकुलेशन वहीं हुई है, जिधर बड़ा नंबर है कैलकुलेशन उसी तरफ हुई है, या आप ये मान के चलें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैलकुलेशन किधर हुई है। ठीक है, तो जिधर बड़ा नंबर है कैलकुलेशन उधर है, तो बड़ा नंबर है इधर रो में। ठीक है, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया गया, इन दो नंबर्स की मदद से अब हम आसानी से कह सकते हैं कि इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया गया होगा। तो हम जो मूवमेंट ले रहे हैं दोस्तों वो ले रहे हैं रो बेस्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि हमें रो बेस्ड मूवमेंट लेना है, नंबरों को देख करके पता लगा, कि हमें ये पता लगा कि जो कैलकुलेशन है वो इधर हुई है रो बेस्ड। ठीक है, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया गया है और इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर लाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से डेटा मिलते हैं दोस्तों, तो आप देखिए अगर आप यहां पर रो बेस्ड मूवमेंट करते हैं कि 2 और 3 की मदद से 4 लाया गया है, आप ये कहना चाहते हैं अगर आप रो बेस्ड मूवमेंट करते हैं तो कि 2 और 3 की मदद से 4 लाया गया है, 4, 5 और 8 की मदद से 7 लाया गया है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, आप ये देखिए कि छोटे नंबरों की मदद से कहीं कुछ बड़ा नंबर मिल रहा है आपको, बस वही कैलकुलेशन उधर ही हुई है, एग्जामिनर का मूवमेंट उधर ही है जहां पर छोटे छोटे नंबरों की मदद से आपको बड़ा नंबर मिल रहा है। जैसे यहां 2 छोटे छोटे नंबर है, 2 और 5, इनकी मदद से हम ये नंबर मिल रहा है 90। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, पहले बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आप कह दो कि यार सर आप तो गलत पढ़ा दिए हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि फिक्स नहीं है, आपको समझाने के लिए लिए जा रहे हैं डेटा, अभी आप समझिए चीजों को अगले 1-2 वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। भाई इन दो नंबर्स की मदद से देखिए, जो छोटे छोटे नंबर्स हैं इनकी मदद से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये माने कि कैलकुलेशन जो है ये कॉलम बेस्ड हुई है, कि इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर आ गया, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर आ जाएगा और इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड भाई, टाइम ज्यादा हो गया है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको करें, बहुत आसान है दोस्तों, आपको समझ में भी आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, और कमेंट जरूर करें यार समझ में आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं भाई। ठीक है, चैनल को चलना बहुत जरूरी है दोस्तों।
क्योंकि अगर चैनल नहीं चला तो भाई जो विजन है मेरा वो तो धरा का धराए रह गया भाई। मैंने 5 बच्चों के लिए थोड़ी यूट्यूब पर आया हूँ मैं, ठीक है। मुझे तो हजारों में लाखों में बच्चे पढ़ाने हैं, मेरे साथियों को पढ़ाना है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। अगर मुझे 5, 10, 20 को ही पढ़ाना होता तो मैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग में भी जाके पढ़ा लेता, ठीक है। तो आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो भी कमेंट करें यार, उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको समझ में कोई बात नहीं आती है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, आप चाहते हो सर उसको एक बार दोबारा बता दो, तो मैं और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन करूंगा आपके लिए। आप बताएं तो सही कि आपको दिक्कत कहाँ है, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बताएं, ऐसे पर्सनली कोई कमेंट ना करें व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, यहाँ ही कमेंट करें जो करना है। पर्सनली इतने कमेंट आ जाते हैं यार कि इतने मैसेज आ जाते हैं, चैट में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, हालात ये। तो पर्सनली ना करें दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर, आप कमेंट बॉक्स में करें जो यूट्यूब का कमेंट है वहां करें कि सर मेरे को ये सब चीज नहीं समझ में आया, इसका थोड़ा सा वो बता दीजिए, बता देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि कैसे आप रो इंटू कॉलम पर जा सकते हैं, कॉलम इंटू रो है, रो इंटू कॉलम है, कैसे 4x3 का करें, 3x4 का करें, 3x3 का है तो हम कैसे डील करें, क्योंकि तो यहाँ पर मूवमेंट दोनों तरफ ही है। अगर इस तरीके से डेटा आते हैं, कुछ दो नंबर्स की मदद से कुछ बड़ा नंबर आ रहा है तो मूवमेंट इधर है रो की तरफ, इन दो नंबर्स की मदद से तीसरा नंबर आ जाएगा तो फिर इन दो नंबर्स की मदद से तीसरा नंबर निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर दो छोटे छोटे नंबर है एक बड़ा नंबर है तो इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर आ रहा होगा, इन दो नंबर्स की मदद से ये तीसरा नंबर आ रहा होगा। आप ये देखिए कि कैलकुलेशन किधर है, जिधर कैलकुलेशन होगी लॉजिक एग्जामिनर उधर ही शिफ्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी कि सर अगर मान लो कि यहां पर 99 न देकर के एग्जामिनर ने मान लो यहां पर आपको 9 रख दिया, सा कुछ भी रख दिया, जैसे 9 रख दिया, ठीक है, 10 रख दिया, तो हम मूवमेंट कैसे लें। एक इस तरीके के डेटा भी आपको मिलेंगे भाई, एक तो ये डेटा हो गए, एक अभी मैंने मिटा दिया है वो, और तीसरा तरीका है ये कि अगर सभी छोटे छोटे नंबर्स अवेलेबल हों या सभी मीडियम साइज के नंबर्स अवेलेबल हों, ठीक है, या सभी बड़े बड़े नंबर्स भी अवेलेबल हों, तो फिर हम मूवमेंट कैसे लें, हम रो बेस्ड मूवमेंट लें या फिर कॉलम बेस्ड मूवमेंट लें, ये आपके सामने बात रहेगी। तो दोस्तों आप जैसे ही आपको देखिए डेटा इंपोर्टेंट है, जो नंबर्स दिए गए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स दे रखे हैं तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, वहां तो हम कंफर्म बोल रहे हैं, जैसे इसको देख करके हमने कंफर्म बोल दिया कि रो बेस्ड मूवमेंट लो, लेकिन हम यहां पर कंफर्म नहीं बोल सकते आपको मूवमेंट रो बेस्ड लेना है या कॉलम बेस्ड लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। आप 2 और 3 की मदद से 4 भी ला आ सकता है यहां पर, 5 और 8 की मदद से 7 भी आ सकता है, और इस तरीके से दोस्तों जैसे आपको ये निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो आप 2 और 4 की मदद से 3 ला सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको यार एक बार, टाइम हो गया ज्यादा। चलिए जैसे मान लो इधर इस तरीके से नंबर आते हैं 4, 5, 6, 7, 9, 10, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं, ये पूछा है 10, ठीक है, इस तरीके से नंबर है। तो आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या, ये नंबर चाहिए, यानी कि इस सेक्शन में आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते, क्योंकि डेटा जो है नंबर्स अवेलेबल है वो एक जैसे ही है, अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि सर मूवमेंट रो बेस्ड होगा या कॉलम बेस्ड होगा, ठीक है। आप 2 और 5 की मदद से 4 आ सकता है, 3 और 6 की मदद से 7 आ सकता है, और 9 और 10 की मदद से ये जो नंबर होगा ये आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार, थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत रहेगी, कि अगर 4 जो है वो 2 और 5 की मदद से आ सकता है, दिख रहा है क्या, हाँ, 2 और 5 से 4 आ सकता है, इसी तरीके से 3 और 6 की मदद से 7 आ सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
इसी तरीके से आप 9 और 10 की मदद से 7 निकाल लेंगे। ये तो तब है जब मैं रो बेस्ड मूवमेंट ले रहा हूं। कब है दोस्तों? जब मैं रो बेस्ड मूवमेंट ले रहा हूं तब ये मैं लैंग्वेज बोल सकता हूं कि 2 और 5 से 4 आ सकता है, 3 और 6 से 7 आ सकता है, तो 9 और 10 से ये तो मिसिंग नंबर है, ये आ जाएगा। यहां देखिए मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, क्योंकि नंबर से वो इस तरीके से सेट किए गए हैं, कोई बड़ा नंबर भारी भरकम नंबर मिल नहीं रहा है जैसे यहां मिल रहे थे। हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 और 3 से 9 आ सकता है। भाई हमें चेक करके देखना पड़ेगा, इस केस में कोई गारंटी नहीं है कि मूवमेंट किधर होगा, हमें चेक करके देखना पड़ेगा इंडिविजुअली। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसका एक अलग से टाइप है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, ठीक है थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है यार, क्या करें, फोन को ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा था कि इस तरीके से अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आपके लिए ये चुनौती भरा है काम कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवमेंट मुझे रो बेस्ड लेना है या मुझे मूवमेंट कॉलम बेस्ड लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, कैसे करें वो मैं बता देता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर दोनों ही तरीके से हमारे को चेक करना है, रो बेस्ड भी चेक करना है, कॉलम बेस्ड भी चेक करना है। ठीक है, रो बेस्ड जैसे अगर हम चेक करेंगे तो 2 और 5 की मदद से 4 ला रहे होंगे, 3 और 6 की मदद से 7 ला रहे होंगे, और 9 और 10 की मदद से ये ला रहे होंगे मिसिंग नंबर। अगर मुझे मूवमेंट मान लो इसे नहीं मिल रहा है, अगर मुझे रो बेस्ड मूवमेंट से मेरा को नहीं मिल रहा है नंबर, तो मैं कॉलम बेस्ड से शिफ्ट होऊंगा। कॉलम बेस्ड में क्या होगा कि 2 और 3 की मदद से 9 आएगा, 2 और 3 की मदद से आएगा 9। सेम इसी तरीके से 5 और 6 की मदद से आएगा 10। ठीक है, 5 और 6 की मदद से आएगा, 5 और 6 की मदद से आएगा, 5 और 6 की मदद से क्या आएगा 10। तो इसी प्रकार से 4 और 7 की मदद से ये मिसिंग नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों। इस तरीके से जब आपको नंबर्स मिलते हैं, जैसे इस तरीके से मिला तो आप सीधा सीधा बता दो कि भाई कैलकुलेशन किधर हो रही है, रो पर हो रही है, तो रो पर बढ़िया आ गई। ठीक है, रो बेस्ड मैट्रिक्स शिफ्ट की गई है, इन दो नंबरों की मदद से ये नंबर आ जाएगा, 4-7 की मदद से 92 आ जाएगा, 6-5 की मदद से अपने पास मिल जाएगा। या फिर कॉलम बेस्ड हो रही है तो यहाँ बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, ऊपर छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, तो कैलकुलेशन देखिए कॉलम बेस्ड हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो सभी नंबर ऐसे ही हैं, या तो छोटे छोटे हैं, या मीडियम साइज के हैं, या बड़े बड़े हैं, तो वहां आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवमेंट आपको रो बेस्ड लेना है या फिर कॉलम बेस्ड लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वहां आप ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो वहां मैंने आपको बताया कि आप एक बार तो रो बेस्ड चेक करें, जैसे यहां पर किया आपने, 2 और 5 की मदद से 4 आ रहा होगा, 3 और 6 की मदद से 7 आ रहा होगा, और 9 और 10 की मदद से ये आ रहा होगा। या फिर आप इससे नहीं बैठ रहा है तो फिर कॉलम बेस्ड शिफ्ट हो जाना। कॉलम बेस्ड में मतलब 2 और 3 की मदद से 9 आ रहा होगा, 5 और 6 की मदद से 10 आ रहा होगा, तो फिर ये जो मैट्रिक्स है कॉलम पर शिफ्ट की गई है। ठीक है, तो 4 और 7 की मदद से अपने आप ही क्या जाएगा, मिसिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक अलग से टाइप मैं कराऊंगा, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं दोस्तों मिसिंग नंबर में, मैं दोनों ही टाइप बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ आपका कि आप चीजों को समझे तो सही कम से कम कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और मैंने फिर बोल रहा हूँ दोस्तों बार बार कि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है जिनसे आप लॉजिक बना सकते हैं, ये मैंने रैंडम डेटा लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत करा दिया है, ये समझाने के लिए, आप समझिए अभी चीजों को, थोड़ा स्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, ढांचे को बनाइए, फिर देखना कहाँ तक लेके जाते हैं, आप उड़ा देंगे आपको। ठीक है, गन से या फिर पढ़ाने के तरीके से,
दोनों में से इतने से एक तो उड़ता ही आदमी भाई, ठीक है, या तो गन से उड़ोगे या फिर कोई और तरीका होता है। आजकल उड़ने के और भी तरीके हैं, लोग प्यार में भी उड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्यार वार तो अपना कोई सीन है नहीं इधर का, क्योंकि बहुत दूर है आप लोग। तो बस यही है दोस्तों, आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरे को इस चैनल को लेकर के, जितना आप प्यार देंगे इस चैनल को, मैं भी आपके लिए उतनी ही दिन रात मेहनत करूंगा। अगर आप मेरे लिए एक कदम चलते हैं तो मैं आपके लिए 10 कदम चलने को तैयार हूँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो आप जितना हो सके लोगों को जोड़िए यार, और चैनल को बढ़िया लेवल पर लेके जाइए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो विजन है वो क्लियर हो, पूरा हो सके, ठीक है। और आपका तो भाई सपना पूरा हो ही रहा है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, इतना ही कहेंगे दोस्तों। और ये मैट्रिक्स बेस्ड जो टाइप है वो हमने उसका बेसिक आपको समझाया है कि कैसे कैसे आप मूवमेंट ले सकते हैं, रो बेस्ड मूवमेंट कब लेंगे, कॉलम बेस्ड मूवमेंट कब लेंगे, ठीक है, कब आप थोड़ा सा सस्पेंशन में पड़ेंगे इस टाइप में। तो मैंने हर चीज़ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसका एक टाइप है पर्टिकुलर टाइप, सेकंड में जब कराऊंगा आप इसका ही मिसिंग नंबर का, तब उसमें मैट्रिक्स बेस्ड ही क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और तब आपको पता लगेगा कि ये जो लेक्चर है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी एक वीडियो और आएगा तो स्ट्रक्चर बेस्ड ही, जो आपको फाउंडेशन ही बनाएगा, तो उसके बाद हम क्वेश्चन को लेना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।